नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। ये आसूस का एक फ़ोन है। आसूस का मॉडल मैं आपको बता दूं, आसूस Z00TD। ये MI मैक्स करके कुछ ऐसा मॉडल है इसका, जो भी मॉडल है आसूस का। ये फ़ोन किसी टेक्नीशियन के कारण, सॉफ्टवेयर कारण डेड हो चुका है। तो दोस्तों आज हम इसे फ्लैश करेंगे और फ्लैश करके देखते हैं कि ये सही होता है कि नहीं। फ़ोन तो थोड़ा ऑन हो रहा है पर स्क्रीन इसकी ब्लू हो जा रही है। मतलब ठीक है, जो भी है इसको हम दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या सही है, ऐसे हम फ्लैश करके दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि ये फ़ोन डेड था। ये हमारे स्टूडेंट का फ़ोन है और ये फ़ोन बताया गया कि स्टूडेंट ने बोला कि ये फ़ोन डेड आया है हमारे पास, मतलब किसी टेक्नीशियन को दिया गया था, तो सॉफ्टवेयर चढ़ाया गया था इसमें और सॉफ्टवेयर कारण ये डेड हो गया था। तो मैं आपको बता दूँ, फाइल में आपको एक फ़ाइल में जाके अनटिक करना होता है। तो हम सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो हमने इसकी फ़ाइल को डाउनलोड कर रखी है। हम डिस्क्रिप्शन में इसकी फ़ाइल आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये फ़ाइल, सबसे पहले आपको हम फ़ाइल दिखा देते हैं इसकी, कि फ़ाइल कहाँ पे है। ये इसका मॉडल है आसूस X00TD। ये इसकी फ़ाइल है दोस्तों, ये टेस्टेड फाइल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन के द्वारा आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी फ़ाइल है, हमने इसकी स्टैक कर ली है। तो ये कॉलकम का सीपीयू लगा हुआ है इसमें, इसमें दोस्तों कॉलकम का सीपीयू लगा हुआ है। और ये देखिए, रॉ प्रोग्रामर की फ़ाइल है भी है इसमें आई हुई है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारी फ़ाइल थी दोस्तों। अब हम इसे UMT से फ्लैश करेंगे और देखते हैं कि हमारी फ्लैशिंग जाती है कि नहीं, हमारा वो जो डेड है वो डेड प्रॉब्लम सॉल्ट आउट होता है कि नहीं होता है। ये सारी चीज़ हम बस लाइव ही देख रहे हैं कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्ट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। तो UMT बस जैसे ही खुल जाता है हम उसमें फ़ाइल देंगे। फ़ाइल देने के बाद, और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, वीडियो में दिख रहा होगा ये आपको, मैं टेस्ट पॉइंट, इसका टेस्ट पॉइंट मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि इसका लास्ट में टेस्ट पॉइंट, क्योंकि ये डेड था तो ये वेल अप और डाउन से एडियल पोर्ट नहीं बना रहा था। तो इसके टेस्ट पॉइंट कहाँ पे है, तो मैंने इसके वीडियो के लास्ट में मैंने टेस्ट पॉइंट इसका दिखाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, QC फायर का सेटअप खुल चुका है 5.2। अब इस पे प्रोग्राम पे टिक करना है, अब 3 डॉट पे दबाना है। अब हमारी जहाँ पे फाइल रखी हुई है, तो हमने डेस्कटॉप पे रखी हुई है, न्यू फोल्डर 3 में रखी हुई है आसूस, यही वाली हमारी फाइल है, ये हमारी फाइल है, ये रो प्रोग्रामर की हमारी फाइल है, हम इसे दे देंगे। ये हमारी फाइल लोड हो गई है दोस्तों। डेड क्यों हुआ था और डेड क्यों हो गया था पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, पर आपको इसमें एक फाइल है एस करके, आपको इसको कस्टमाइज करना होगा। और इसमें आपको नीचे जाना है, एस फ्लैश, ये देखिए दोस्तों, एस फ्लैश करके एक फ़ाइल है, आपको इसे अनटिक करना है, कस्टमाइज़ करना था। और इसको आपको एस फ्लैश करके एक फ़ाइल है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, एस फ्लैश, आपको इस फाइल को दोस्तों अनटिक करना है। अब फिर आप फ्लैश कर देंगे, आपका डेड रिस्क ख़त्म हो जाएगा, फ़ोन आपका डेड नहीं होगा फिर से। अब हालांकि ये तो डेड ही है, तो हम इसमें एस फ्लैश की फ़ाइल को टिक कर दिया है। अब इस फ़ोन को हम कनेक्ट करेंगे, पहले कनेक्ट करेंगे उसके बाद दोस्तों हम इस फ़ोन में फ्लैश का बटन दबाएंगे। तो हम इस बटन को फ्लैश करते हैं, कनेक्ट करते हैं फ़ोन को। तो इसकी जो टेस्ट पॉइंट है दोस्तों, इसकी जो टेस्ट पॉइंट है, हम लास्ट में वीडियो में बता देंगे आपको कि इसकी टेस्ट पॉइंट कहाँ। एक्चुअल में हम फोटो नहीं दिखाएंगे, आपको टच करके दिखाएंगे कि इसकी टेस्ट पॉइंट एक्चुअल में है कहाँ पे। ठीक है, तो ये हम डिवाइस मैनेजर खोल लेते हैं कि हमारा दिखाया पोर्ट बना कि नहीं बना। तो देखते हैं दोस्तों, आपको इसे एडियल मोड पे कनेक्ट करना है, एडियल मोड पे कनेक्ट करना है दोस्तों। एडियल मोड पे कनेक्ट करके आपको मैंने यस फ्लैश की फाइल को अनटिक कर देंगे। ये देखिए हमारा ड्राइवर कनेक्ट हो गया है, हमने उसको, ये मैं आपको बता दूँ, ये जो QD लोडर 9008 का पोर्ट बनाया है, ये आपको लास्ट में हम दिखाएंगे कि कैसे हमने इसको टच किया है। आपके वीडियो के लास्ट में हम इसे दिखा देंगे, प्रैक्टिकल वे दिखाएंगे कि ये टच कैसे हो, क्योंकि ये डेड था तो ये फ्लैश बूट कर नहीं रहा था, एडियल पोर्ट वैल्यूम अप डाउन से बना नहीं रहा था।
उसकी टेस्ट पॉइंट थी, टेक्ट पॉइंट होती है, और आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो आप एसर टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के साथ आपको यहाँ पे सिखाया जाता है एसर टेलीकॉम, और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमें फॉलो करना है, कैसे फ्लैश करना है, कैसे FRP हटाना है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे एसर टेलीकॉम में सिखाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे फ्लैश कर रहे हैं, हमें इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हमने डेड डेड का कारण मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे, आपको ये जो एस फ्लैश की फाइल दिख रही है ना, आप इसको अनटिक करना था। जब कभी ये फ़ोन फ्लैश करेंगे, ये फाइल से आप फ्लैश करते हैं, आप और फाइलें हैं, बहुत सारी फाइलें मिल सकती हैं आपको, आप उससे भी फ्लैश कर सकते हैं, बट आपको ये जो एस फ्लैश वाली फाइलें हैं इसको आपको अनटिक करना है, और तब फ्लैश करना है, आपका डेड ट्रिक्स खत्म हो जाए, मतलब डेड फ़ोन नहीं होगा, ब्लू लाइट नहीं आएगी, फ़ोन आपका प्रॉपर ऑन होगा। फ़ोन ऑन भी होगा पर इसमें हो सकता है कि आपकी ब्लू लाइट आ जाए, कुछ भी एनी रीजंस हो सकते। तो अब मैं आपको इसमें लाइव प्रैक्टिकल ही दिखा रहा हूँ कैसे फ्लैश करना है। ये जो फाइल है मैं कोशिश करूँगा कि लिंक में, डिस्क्रिप्शन की लिंक में मैं डाल दूँ, जिससे कि आपको भी सहायता हो देखने में। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हुई है, और दूसरी चीज़ मैं छोटा सा अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि अभी फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लगेगा, फ्लैशिंग के दौरान इसमें थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। तो मैं कोई भी वीडियो स्किप नहीं करता हूँ, हमारे वीडियो थोड़ी सी बड़ी होती है, लंबी होती है, पर पूरे बिना स्किप की होती है। मैं आपको बता दूँ ये वीडियो सारे लंबी तो होती हैं, बट आपको ये वीडियो प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ये फाइल फ्लैश हो चुकी है, और ये देखिए फिनिश्ड। थोड़ी सी हमने पॉज कर दी थी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो, सिस्टम की फाइल इसकी होती है जो कि बहुत लंबी वीडियो होती है, और ये देखिए फिनिश्ड हो चुका है हमारा, ये फिनिश्ड हो चुका है। अब हम इसे देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। तो ये देखिए हमने एस फ्लैश की फाइल जो हमने एंटिक की थी आपको शुरू से हमने बताई हुई थी, सिस्टम की फाइल राइट हो गई, कोई भी एरर नहीं आया। मैं आपको शुरू से दिखा दूँ, हमारी ये फ़ोन फ्लैश हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये फ़ोन फ्लैश हुआ, चालू हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखते हैं। आप साइड में देखते होंगे कि इसमें पोर्ट बनाया हुआ था, ये फ़ोन प्रॉपरली आपका ऑन हो चुका है, और सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई हुई थी। अब इसमें आपको फ़ोन में भी दिखा देंगे इसका टेस्ट पॉइंट पीछे किधर होता है, इसका टेस्ट पॉइंट आप कैसे इसको टेस्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम ये वीडियो, ये हमारे स्टूडेंट का फ़ोन था, और बाकी की चीज़ें आपको हम इधर बाद में दिखा देंगे लास्ट की वीडियो में, कि फ़ोन हमारा प्रॉपरली ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे आप देख सकते हैं। दोस्तों ये एक डेड फ़ोन था, अभी हमने इसको फ्लैश किया है, और ये देखिए ये एक डेड फ़ोन था। तो इसका दोस्तों ये डेड फ़ोन था, ये बूट वैल्यूम अप और डाउन से नहीं बना रहा था, ये देखिए प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है दोस्तों। ये फ़ोन डेड आया था, किसी टेक्नीशियन से डेड हो चुका था। तो मैं आपको बता दूं, मैं इसकी टच करके बताऊंगा आपको कि इसकी टेस्ट पॉइंट कहाँ होती है। ये हमारे स्टूडेंट का एक फ़ोन था, उन्होंने बोला कि किसी टेक्नीशियन ने सॉफ्टवेयर के कारण इसे डेड कर दिया था, और आपके सामने हम सारी लाइव दी दिखाए हैं। पहले आपको दिखाया था ये फ़ोन बंद था, बूट कर रहे थे बंद था। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं इसमें दोस्तों, कि इसकी टेस्ट पॉइंट कहाँ है, क्योंकि डेड था तो ये वैल्यूम अप और डाउन से कनेक्ट नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको ट्विजर से टच करके बताऊंगा कि इसकी एक्चुअल में एडीएल पोर्ट बनाया कैसे। ये जो दो टिप्स दिख रहे हैं ना, ये आपको इससे टच करना था और आपका एडीएल कॉम पोर्ट बन जाता, और आपकी फ्लैशिंग बहुत ही इजीली तरीके से हो जाती दोस्तों, और कोई भी एरर नहीं, ये मैंने कर दिया। और आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं फ़ोन डेड था और प्रॉपरली ऑन हो चुका है। ठीक है, अब इसे पूरा ऑन कर देते हैं। तो ये एक स्टूडेंट का फ़ोन था हमारे, उन्होंने बोला कि सर ये फ़ोन किसी अदर टेक्नीशियंस के कारण डेड हो चुका था, सॉफ्ट ब्रेक हुआ था, तो हमने इसे फ्लैश किया है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये फ़ोन प्रॉपरली ऑन हो चुका है।
स्किप। जैसा कि आप देख सकते हैं फोन देखिए प्रॉपरली ऑन हो चुका है दोस्तों। बहुत ही ये सेट डेड था और डेड था। इसे एक फाइल को हमें अनटिक करनी थी जो कि मैं आपको बताऊंगा, फिर से बता दूंगा आपको कस्टमाइज करके। यस फ्लैश करके एक फाइल थी, आप उसे अनटिक करनी थी तो आपका फोन डेड नहीं होता। तो आप जो फाइलें हैं आपके पास, उस फाइल में जा करके आपको उस फाइल को मैं लिंक भी दे दूंगा, जहां तक है आपको इस फाइल की लिंक भी दे दूंगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन के नीचे इस फाइल की लिंक भी आपको मिल जाएगी। और जैसा कि हमने बताया है कि आपको दिखाया भी है, ये फोन देखिए प्रॉपरली ऑन हो चुका है। और एस फ्लैश की फाइल अनटिक करनी थी, जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। मैं आपको पहले फ्लैशिंग के दौरान बता चुका हूँ, फिर भी मैं फ्लैशिंग करने से पहले मैंने बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ये फ़ोन प्रॉपरली ऑन हो चुका है, मैंने इसको फ्लैश किया और ये फ़ोन ऑन हो गया। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।